नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका स्वागत है योगा लाइफ में और मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ एक ऐसा वीडियो लेकर आएं जो हम देखकर रात को सोने से पहले उसका अभ्यास कर सकें। रीज़न क्या है? कुछ लोगों की ये समस्या है कि नींद अच्छी नहीं आती है, नींद जल्दी नहीं आती है, रात को काफ़ी समय लगता है सोने में और सुबह फिर उठा नहीं जाता है। जो आपका एक दिनचर्या है, जो आप दिन भर काम करते हैं, वो सारा आपकी नींद के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप सोते हैं, सोना और कैसा सोना, अच्छा या अच्छी नींद का ना आना, उस पर भी मैटर करता है। तो अच्छी नींद के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस वीडियो में। सोने से पहले इन चीज़ों का अभ्यास करें, कोशिश करें अपने आप को थोड़ा शांत करने की, अपने थॉट्स को, और वो तभी होगा जब आप अपना मन टिकाना शुरू करेंगे योग अभ्यास के ऊपर। तो सोने से एक घंटा, डेढ़ घंटा पहले या आधा घंटा पहले भी आप इसे कीजिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आज ही करेंगे तो आज ही रिजल्ट मिल जाए, ठीक है? थोड़ा 10 हफ्ता दिन हफ्ता भर कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो स्लीप है, आपकी जो नींद है, वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ का ध्यान और रखना है, ठीक है? आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा ये वाला कि खाना खाते ही नहीं करना है, ठीक? कोशिश कीजिए, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो अपना खाना कम से कम 7 और 8 के बीच बीच में ले लीजिए, ठीक है? 8 से ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। उसके बाद, और 10 बजे सोना है तो उससे सोने से पहले 10 बजे और आधा घंटा ये योगाभ्यास कीजिए और 10:30 तक अपने बेड पर लेट जाइए। अकॉर्डिंग टू योर टाइम, किस समय आप सोते हैं, सोने से 2-2.5 घंटा पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगी। हमें उस दौरान कुछ भी ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेचिज नहीं करने हैं, कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है, कोई मुश्किल वाले आसन नहीं करने हैं। हमें वो चीज़ें करनी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम कर दें, हमारी बॉडी की थकावट को थोड़ा कम कर दें। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना है शशांक आसन, बालासन, जिसे चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको पहले टेबल टॉप पोजीशन में आना है। आप ये अपने बेड पे कीजिएगा आराम से। टेबल टॉप में आने के लिए नीज में थोड़ा गैप रहता है, सामने से दिखाती हूँ इस तरह से, पैरों में भी गैप रहता है, हाथ कंधों के नीचे हैं। बहुत आराम से अपने हिप्स पीछे की तरफ ले जाइए, कोहनियाँ नीचे रख दीजिए और अपना माथा आगे रख दीजिए। यहाँ पर कम से कम 1 मिनट आपको रुकना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घुटनों की समस्या है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ज़्यादा हिप को पीछे ना ले जाते हुए यहीं पर हिप रखते हुए कोहनी नीचे रखें। अगर माथा भी नीचे ले जाने में दिक्कत है तो कुछ भी पिलो कुशन होगा ना आपके पास, ठीक है? कुशन पिलो कुछ भी होगा, इस तरह से उस पर माथा रखें, इस तरह से यहाँ पर रोकें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बेड पे करेंगे, नीज फर्श पे, बोन का चुभना ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मैट पे भी करना है तो नी के नीचे कुछ कंफर्टेबल पतला पिलो कुशन रख लो, ताकि हम आसानी से यहाँ 1 मिनट रुक पाएं। तो ये नी पेन वालों के लिए ऑल्टरनेट हो गया, और वैसे सिंपल चाइल्ड पोज। और इस दौरान एक चीज़ आपको करनी है, वो है सांस पर ध्यान, ठीक है? अपनी जितना आप अपनी सांसों पर ध्यान टिकाएंगे, अपने आप को वर्तमान में रखने की कोशिश करेंगे, आपका नींद बेटर होती चली जाएगी। और इस दौरान क्या होता है, फिर थॉट्स भी कम आते हैं जब हम सांस पर फोकस करते हैं, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। दिन भर बहुत कुछ होता है हमारे साथ जो दिमाग में चलता रहता है, तो उन सब चीज़ों से हटने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान टिकाएं और आराम करें, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला आसन। कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से करना है। उसके बाद आपको सीधा लेटना है, ठीक? सीधा लेट के हम करेंगे लेग अप द वॉल पोज, जिसे विपरीत करनी आसन बोला जाता है।
इसे हम टांगे सीधी करके भी कर सकते हैं, और अभी तो मेरे पास चेयर है ना, मैं चेयर यूज कर रही हूँ, आप वोल के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं सारे तरीके बता देती हूँ। तो सीधा लेटना है, तो यहाँ से लेग्स पहले फोल्ड कर लीजिए, कंफर्टेबल होके लेट जाओ। एक लेग को सीधा किया ऊपर, फिर दूसरे को सीधा किया ऊपर, ठीक है। अब ये चीज़ हम वोल के साथ कर सकते हैं, ये पैरों को वोल की तरफ ले जाओ, अपने पैर दीवार पे रखो और लेग्स को सीधा। कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ हमारी सीधी रहे। अब चेयर पे जब करेंगे, मैं चेयर के साथ भी दिखा देती हूँ करके, अगर किसी को ज़्यादा टांगे ऐसे उठा के रखने में दिक्कत होती है, तो ये देखो ये चीज़ अभी भी ये चीज़ मेरी सीधी है, देख रहे हैं आप, नी से लेके हिप तक की ये चीज़ सीधी रखनी है। चाहे आप चेयर पे कर रहे हो, चाहे आप वॉल पे कर रहे हो, चाहे आप बिना किसी भी सपोर्ट के कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पेट पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। हमें कोई प्रेशर वाली चीज़ नहीं करनी है हमें, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि इसको यहाँ कंफर्टेबल रखो, हाथ से पकड़ लो, ठीक है। पैरों को बहुत ज़्यादा टाइट अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रखो। साइड पे खोलने हैं साइड पे खोल दो। इसे भी आप एक मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करो, और इस दौरान भी सिर्फ श्वास पर ध्यान। और अपनी श्वास को धीमा रखना है, लंबा और गहरा रखना है, ऐसे कोई भी नहीं करेगा। हमें हर एक चीज में कम से कम एक मिनट तक रुकना है। और धीरे से वापस एक एक लेग फोल्ड कर सकते हैं और नीचे रख सकते हैं। ये दो चीजें हो गई, तीसरी की तरफ बढ़ेंगे। हाथों को यूं ही खुला रहने दीजिए, पैरों को एक साथ जोड़िए, सुप्त बद्ध कोणासन। तो सुप्त बद्ध कोण होता है बटरफ्लाई पोस्चर। अभी सबको पता चल गया होगा कि क्या चीज है ना। तो सुप्त मतलब सोया हुआ, लेटा हुआ, तो लेट के बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोण। तो सांस लेते हुए अपने घुटनों को इस तरह से खोलिए, जब आप घुटने खोलेंगे ना तो पैरों के तलवे आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हो सकता है ये करते हुए आपको हिप में कुछ अनकंफर्टेबल लगे, तो वो चीज़ें अभी हमें नहीं करनी है। तो हमें रिलैक्स होने के लिए चीज़ें करनी है, तो आप कुशंस यूज़ कीजिए इस तरह से। मैं योगा ब्लॉक्स यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह नीचे जाइए अपने ये थाई के नीचे आराम से। अभी कोई भी प्रेशर नहीं है, तो इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो अभी हिप पे और मेरे थाइस पे किसी भी तरह का कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं है इसको रखते हुए। आँख खुले हुए हाथ, आंखें बंद, श्वास पर पूरा ध्यान। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम इसमें रुकते हैं ना, तो कुछ लोगों का कहना है कि पीठ ऊपर की तरफ हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो अपनी पीठ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को ज़मीन के साथ रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हर बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं अपनी बातें, कि हमें इस दौरान कंफर्टेबल रहना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक मिनट ये पोस्चर किया, बहुत धीमी गति से घुटनों को वापस लेके आइए। अब क्या करना है, जो हमने ये यूज़ किए थे पिलोस कुशन, उसे रिमूव कर देंगे। वेरी नाइस, दोनों हाथ फिर साइड पे खुले हुए। अब हमें लेग्स को थोड़ा क्रॉस करना है, तो पहले मैं राइट कर रही हूँ, राइट को लेफ्ट के ऊपर रख रही हूँ इस तरह से। राइट को रखा है ना, ठीक है, अब जाएंगे इसकी उल्टी दिशा में। राइट रखा है तो जाना है लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हुए नी को दबाने की कोशिश करूंगी। जब ये उस तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग ना यूं कर देते हैं, यूं ये होता है ऐसे, नी नीचे लग गए, यहाँ पर इधर से देखो सारी गड़बड़ करती।
तो कंधे को नहीं उठाना है हमें, ये नीचे लगे ना लगे वो बात की बात है, इससे फोकस करो और जितना आसानी से लेके जा पाओ, अगर इतना होता तो इतना, बिना कंधा उठाए अगर नीचे जा पाओ तो ले जाओ। और देखना है राइट साइड, आंखें बंद और फिर श्वास पर पूरा ध्यान। स्पाइन ट्विस्ट बोलते हैं इसे, स्पाइनल ट्विस्ट। सुप्त अर्ध मत्स्येन्द्र आसन भी बोल देते हैं। कम से कम 1 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। श्वास चलती रहेगी लंबी गहरी। वापिस आना है सांस को लेते हुए और अब दूसरी तरफ, लेफ्ट लेग ऊपर तो राइट हैंड की हेल्प से सांस छोड़ते हुए गर्दन दूसरी तरफ, लंबा लंबा श्वास। और फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। टांगों को सीधा कर दें, हाथों को नीचे ले आएं, शवासन में 1 मिनट तक श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास की गति धीमी और धीमे धीमे लेते हुए पेट भरो, धीमे धीमे छोड़ते हुए खाली कर दो। इतना हो गया, ठीक है। अब धीरे से थोड़ा करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे और अब 2 प्राणायाम करने हैं। एक करना है अनुलोम विलोम और दूसरा करना है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके बाद हो गया फिनिश। बहुत मुश्किल से 20-25 मिनट का समय लगेगा आपका। 20-20 शायद मैंने ज़्यादा बोल दिए हैं, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि 1-1 मिनट तो वो आसन किए और 5-5 मिनट तक आप अपना प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए सीधा बैठना है, कमर सीधी। विष्णु मुद्रा लेनी है या प्रणव मुद्रा भी ले सकते हैं, दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, ठीक है। तो अनुलोम विलोम बेसिकली तो सबको आता है आजकल, अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें गलतियाँ क्या होती हैं वो भी बताया गया है। आप वो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर और देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे आँखें बंद रखते हुए। मैंने 2 ही राउंड किए हैं। 2 राउंड कैसे, मैंने राइट से शुरू किया था, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, ये हो गया 1 राउंड। तो जिस तरफ से शुरू किया उसी तरफ से ख़त्म होने पे उसे 1 राउंड बोलते हैं। तो मैंने 2 किए, आप कम से कम 10 राउंड ज़रूर कीजिए। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम जिसमें हम षण्मुखी मुद्रा लेंगे। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से चर्चा की है मैंने षण्मुखी मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम पे, अगर वो भी आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम षण्मुखी मुद्रा लेते हुए लंबा श्वास पहले लेंगे, श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी का उच्चारण।
और धीरे से हाथ नीचे। एक मिनट इसी तरह बैठे आंखें बंद रखते हुए, शांत भाव से, किसी भी तरह का कोई फिजिकली मूवमेंट नहीं होगा। श्वास को अपनी गति से चलने दीजिए और हर आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। इस दौरान आप शवासन में जा सकते हैं आंखें बंद ही रखते हुए और अपनी अच्छी नींद की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप करके ज़रूर देखिए। जिनको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। योगा लाइफ को आप यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ क्लासेस लेने की इच्छा है तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।